हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम बिजनेस आइडियाज़, मोटिवेशन, मार्केटिंग और पब्लिसिटी के बारे में जानकारी देते हैं, जो नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। आज हम जानकारी दे रहे हैं पेस्ट कंट्रोल सर्विस बिजनेस के बारे में। जैसे जैसे लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है, वैसे वैसे लोग सफाई के प्रति ध्यान देने लगे, जिसके चलते पेस्ट कंट्रोल सर्विस का बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। पेस्ट कंट्रोल सर्विस का बिजनेस हर जगह किया जा सकता है, यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी। पहले ये जान लें कि पेस्ट कंट्रोल क्या है। पेस्ट से मतलब है कीट पतंगों से, जैसे चींटी, छिपकली, दीमक, कॉकरोच, चूहे आदि से है। कीट हर जगह, घर, ऑफिस, गोडाउन आदि कहीं भी हो सकते हैं। यह न केवल घर के कीमती चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी खतरनाक होते हैं। कुछ कीट तो काफ़ी खतरनाक होते हैं, जो बीमारी फैलाते हैं। इन्हें जल्दी से कंट्रोल न किया जाए तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन्हें जल्दी से जल्द कंट्रोल करने के लिए पेस्ट कंट्रोल सर्विस देने वाले की मदद ली जाती है। मतलब कीट पतंगों को नष्ट करने के हेतु जो बिजनेस किया जाता है, उसे पेस्ट कंट्रोल बिजनेस कहा जाता है। पेस्ट कंट्रोल सर्विस बिजनेस काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। कोई भी इस बिजनेस को कम पैसे में शुरू कर सकता है। इस बिजनेस का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। इसे कम पैसे में शुरू कर अच्छी सर्विस देकर आगे चलकर एक ब्रांड की तरह इस्टेब्लिश हो सकते हैं। यह बिजनेस कीटनाशक, जहरीले दवाओं से जुड़ा हुआ बिजनेस है, इसलिए इसे शुरू करने के लिए कई तरह के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है ट्रेनिंग। पेस्ट कंट्रोल से संबंधित कई तरह के ट्रेनिंग बड़े शहरों में प्राइवेट संस्थाओं द्वारा उपलब्ध है। ट्रेनिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। जो ट्रेनिंग नहीं करना चाहते हैं, वह अपने यहाँ ट्रेंड लड़कों को रखकर इस कार्य को कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन की सुविधा हो जाने की वजह से इसे घर बैठे भी किया जा सकता है। इसके लिए आपको सॉफ्ट एक्ट का लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा उनसे इस विषय में अन्य लाइसेंस के बारे में जानकारी लेनी होगी, क्योंकि अलग अलग राज्यों में इससे संबंधित अलग अलग नियम हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए पेस्ट कंट्रोल से संबंधित कुछ इक्विपमेंट खरीदना होगा, जिनमें स्प्रे, डस्टर, बाइगन, सेफ्टी इक्विपमेंट, फॉमिंग, केमिकल ग्लव्स, मास्क, यूनिफॉर्म, वैक्यूम आदि की आवश्यकता होगी। इनके अलावा आपको मेन पावर की आवश्यकता होगी, जिन्हें आप इन हाउस ट्रेनिंग देंगे, ताकि वे पेस्ट कंट्रोल का काम अच्छे से कर सकें। अब बात आती है क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे। इसके लिए आपको उन लोगों को टारगेट करना होगा, जिन लोगों को इसके सर्विस की ज़रूरत है। अपनी सर्विस के बारे में समाचार पत्रों में विज्ञापन दें, पॉम्पलेट वितरित करवाएं, अपना खुद का वेबसाइट बनाएं, जिनमें संबंधित सर्विस के बारे में जानकारी दें। इनका सोशल मीडिया पर प्रमोट करें। इसके लिए सोशल मीडिया पर कम खर्च में पब्लिश कर सकते हैं। ऑफिस, फैक्ट्री या अन्य औद्योगिक संस्थाओं से संपर्क करें, उन्हें अपने सर्विस के बारे में जानकारी दें। बड़े संस्थाओं पर एग्रीमेंट के साथ काम करें। एक दो महीने के कॉन्ट्रैक्ट या साल भर का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, या फिर जब बुलाए तब जाएं। लोगों को पेस्ट कंट्रोल के प्रति जागरूक होने के लिए छोटे छोटे शिविर आयोजित करें। लोग जितना अधिक जागरूक हो गए, आपका कारोबार उतना ही अधिक बढ़ेगा। ऑफिस या फैक्ट्री के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के वेयर हाउस के मालिकों से मिले, आपको उनसे भी अच्छा काम मिल सकता है। पेस्ट कंट्रोल के साथ साथ इसकी ट्रेनिंग, इक्विपमेंट सप्लाई या केमिकल की सप्लाई का काम भी कर सकते हैं। यह भी काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। सर्विस बिजनेस होने की वजह से आप सामने वाले से जितना अधिक हो सकते अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पेस्ट कंट्रोल बिजनेस शुरू करने के लिए दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस बारे में कोई अधिक जानकारी चाहते हैं तो बिजनेस मंत्रा ब्लॉग देख सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए बिजनेस मंत्रा के साथ। नमस्कार।